नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर 30,000 कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील द्वारा अपने मुक्किल के बचाव में कोर्ट के समक्ष दलील पेश करते हुए किया गया कौरव और द्रौपदी का जिक्र। इस बीच कोर्ट के समक्ष रो पड़ी स्वाति मालीवाल। झारखंड के रांची के एक बार में हुए विवाद के बाद डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है मामले की जांच। मामले में पुलिस कर रही है हर पहलू की बारीकी से जांच। एसएसपी ने कहा मामले में एक को हिरासत में लेकर जारी है पूछताछ। महाराष्ट्र के नासिक जिले में आयकर विभाग ने एक सर्राफा व्यापारी के घर पर मारा छापा। आयकर विभाग की छापेमारी में उनके घर से 500 के नोटों का बंडल बरामद। अधिकारियों ने व्यापारी के घर से 26 करोड़ रुपए के दस्तावेज और 90 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति की है जब्त। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। पटना के पालीगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा लालू यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों को मानते हैं अपना गुलाम। चक्रवात रेमल ने दिखाना शुरू कर दिया है अपना तेवर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात रेमल ने देर रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर दे चुका है दस्तक। चक्रवात के चलते पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हुआ लैंडफॉल। तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के किनारों को पार कर उत्तर की ओर दिशा में बढ़ रहा है आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत को लेकर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सीएम केजरीवाल ने की याचिका दायर कर कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PIT और CT स्कैन के साथ कई दूसरे टेस्ट से है गुजरना। केजरीवाल ने मेडिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मांगा 7 दिन का एक्सटेंशन। गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में भीषण आग लगने से अब तक 28 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 9 बच्चे हैं शामिल। आग कैसे लगी इसकी अभी तक नहीं मिली है कोई जानकारी। वहीं इस अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने जाहिर किया है दुख। अभिनेत्री और BJP नेता कंगना रनावत के गृह क्षेत्र सरकार घाट पर पहुंचे कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने उन पर किया हमला। कहा कंगना मुंबई जाकर संभाले अपना काम, यहाँ की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। कंगना एक अच्छी अभिनेत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वो नहीं छोड़ेंगी फिल्मों का काम। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज। पटना और आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क होने के साथ उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल हो गया है बेहाल। पटना और आसपास के क्षेत्रों में पछुआ हवा के कारण तापमान में वृद्धि होने के साथ गर्म दिन और रात रहने के हैं आसार। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से आधी पानी के साथ बादल गरजने और वज्रपात और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की मौसम विभाग ने जताई है संभावना। मालेगांव में MIM नेता और पूर्व मेयर अब्दुल मलिक के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। इस फायरिंग में MIM नेता को लगी है 3 गोलियां। हालत गंभीर होने के बाद नासिक के एक अस्पताल में कराया गया है भर्ती। घटना के बाद परिसर में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को किया गया है तैनात। महाराष्ट्र के पुणे में हुए फोर्स कार एक्सीडेंट मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा किसी को मारने और एक्सीडेंट करने का नहीं दिया गया है लाइसेंस। CM ने कहा दोषी पर कठोर कार्रवाई करने का दिया गया है निर्देश। पुणे एक्सीडेंट की घटना के साथ शहर के सभी अवैध बार और पब पर की जा रही है कार्रवाई। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI की मुंबई जोनल यूनिट ने एक साथ मुंबई और नवी मुंबई में कई इलाकों में की छापेमारी। तलाशी अभियान के तहत विदेशी सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ किए गए हैं जब्त। सिंडिकेट के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को प्रतिबंधित सामग्री के साथ किया गया है गिरफ्तार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं देश को बांटने की कोशिश, जबकि रोजगार के मुद्दे पर वो रहते हैं चुप। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के हालिया हस्ताक्षरों का भी किया है जिक्र।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहान केस में 7 जून को होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का है राहुल गांधी पर आरोप। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज करवाया है मुकदमा। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा अग्निवीर योजना के माध्यम से भारत के सैनिकों को बना दिया गया है मजदूर। हमारी सरकार आने पर अग्निवीर को कर दिया जाएगा रद्द। भारत का हर युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब है भारत के सैनिकों को मजदूर बनाना। खतरनाक तूफान रेमल ने पश्चिम बंगाल में मचाई तबाही। बंगाल में चक्रवाती तूफान के चलते अब तक 4 लोगों की मौत। तेज बारिश में घर का हिस्सा गिरने से और पेड़ गिरने से कई लोगों की गई जान। चक्रवात रेमल पर एनडीआरएफ लगातार बनाए हुए है नजर। पश्चिम बंगाल में एजेंसी ने तैनात की है 14 रेस्क्यू टीमें। कोलकाता में रेमल तूफान के चलते फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। खराब मौसम के चलते रोक दिया गया है कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन। कई फ्लाइट्स को किया गया है डाइवर्ट। तूफानी हवाओं के चलते एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में आ रही है दिक्कत। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग भीषण लगने से 7 मासूमों की झुलसकर हुई मौत। हादसे के बाद राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जताया दुख। एलजीबी के सक्सेना और स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं जांच के आदेश। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विक्रमगढ़ पाली वाड़ा मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर। कंटेनर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर मौत। कंटेनर ने 2 बाइक, 1 बस और 1 कार को मारी जोरदार टक्कर। महाराष्ट्र के धुले शहर में दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूटी सवार महिला को बचाने के चक्कर में बाइक सवार युवक का बिगड़ा संतुलन। ट्रक के नीचे कुचलकर युवक की मौके पर हुई मौत। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। पुणे पोर्स कार हादसे को लेकर जारी है पुलिस का एक्शन। फॉरेंसिक विभाग के एचओडी समेत 2 डॉक्टरों के बाद अब क्राइम ब्रांच ने अस्पताल के 1 और कर्मचारी को किया गिरफ्तार। दरअसल नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने का फॉरेंसिक विभाग पर है आरोप। ब्लड सैंपल से की गई छेड़छाड़ की वजह से नहीं हुई शराब की पुष्टि। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में बचा है महज 10% पानी का स्टॉक, जिसके चलते मुंबईकरों को हो सकती है पानी की भारी किल्लत। दरअसल बीएमसी ने 30 मई से 5% पानी कटौती का लिया है फैसला। लोगों से की जा रही है पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील। महाराष्ट्र के कई इलाकों में गर्मी से मिल सकती है राहत। कोंकण, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में हो सकती है जोरदार बारिश। 24 घंटे के अंदर तापमान में होगी गिरावट। 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा जांच एजेंसियों की कार्रवाई में मोदी का नहीं है कोई रोल। देश के लिए चिंता का विषय है भ्रष्ट लोगों का महिमामंडन। जो करते थे सोनिया गांधी को जेल में डालने की मांग, आज कर रहे हैं उन्हीं का गुणगान। चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। बैठक में चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर पीएम ने की समीक्षा। कहा संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ है खड़ी। पीएम ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें In24 News। In24 News को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म YouTube, Instagram, Facebook, Twitter पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।